अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की राशियां क्या कहती हैं, किसका भाग्योदय होगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, कौन उच्च पद प्राप्त करेगा, किसको विदेश जाना है, किसको आयात निर्यात से धन मिलेगा, किसकी माली हालत अच्छी होगी, किसको शेयर ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा, किसको माइन से लाभ मिलेगा, सारी बातें हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, जो मेष राशि वाले जातक हैं, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। भूमि भवन वाहन खरीदने का योग बन रहा है। नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है। धन के लिए समय अच्छा चल रहा है। समय चुनौतीपूर्ण है किंतु लाभप्रद होगा आपके लिए और आपकी भूमि भवन एवं नौकरी के लिए सर्वोत्तम समय चल रहा है। यदि आप नौकरी के लिए या भूमि के लिए या गाड़ी खरीदना चाहते हो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी और नए तरह के कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, धैर्य एवं बुद्धि से किसी कार्य को करने की जरूरत है क्योंकि समय आपका महत्वपूर्ण है और बड़ों का सलाह लेकर ही किसी कार्य को करें। उपाय क्या करना है, भगवान सूर्य देव की आराधना करें, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, ओम घृणी सूर्यान में इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नए व्यापार करने का अवसर मिलेगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है तो पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की जरूरत है। शुभ कार्यों में ज्यादा धन खर्च होगा। देश विदेश की यात्रा का योग बनेगा। धन के लिहाज से समय बहुत अच्छा चल रहा है। आज आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। माली हालत अच्छी होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। अचानक दूर देश की यात्रा हो सकती है। तीर्थाटन देशाटन हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा है। वाद विवाद से बचें। उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग है आसमानी, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको शेयर ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा। चारों तरफ से लाभ होने का संभावना बन रहा है। परेशानी आपकी दूर होंगी। साहित्य लेखन और सृजन से इत्यादि धन प्राप्त होगा। मातृ सुख और पत्नी सुख प्राप्त होने की संभावना बन रही है। सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। विदेश यात्रा हो सकता है। भूमि भवन और रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में अगर पूंजी निवेश करते तो आपके लिए लाभप्रद होगा। नए तरह के कार्यों को होने से मन प्रसन्न रहेगा। घर में शुभ कार्य हो सकता है। दूसरों के सहयोग से बहुत सारे कार्य रुका हुआ हो सकता है। महिला मित्र का सहयोग मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, वाद विवाद से बचना है। उपाय क्या करना, भगवान श्री गणेश की आराधना करें। आज हरी वस्तु का दान करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको नया विजन और आइडिया से धन लाभ मिलेगा। अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। संतान सुख प्राप्त होते हुए दिख रहा है। पत्नी को नौकरी मिल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी। सरकार और राजनीति से लाभ का योग बन रहा है। भूमि भवन वाहन खरीदने का सुंदर अवसर मिल रहा है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। माइन से लाभ मिलेगा। यदि आप आयात निर्यात करते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन है। विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन है। सावधानी क्या बरतनी है, नकारात्मक सोच से बचें। उपाय क्या करना, चंद्रमा की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सफेद वस्तु का दान करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि के जातक है, भूमि भवन और वाहन से आपको लाभ मिलेगा। संततियों का सुख प्राप्त होगा। आज आपको कर्ज से मुक्ति मिलने का योग बन रहा है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से लाभ मिलेगा। कई तरह के व्यापार कर सकते हैं। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना बन रही है। नौकरी में पदोन्नत हो सकता है। स्थानांतरण का योग बन रहा है। दूर देश की यात्रा हो सकती है। आध्यात्मिक यात्रा होगी। अगर कोर्ट कचहरी में न्यायालय में कोई विवाद चल तो आपको विजयश्री मिलेगी। सावधानी के प्रति अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना, लाल वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गाय को गुड़ और पूड़ी खिलाना श्रेष्ठ रहेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग है सी ग्रीन, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज अपने आलस्य का परित्याग कर अपने कर्म क्षेत्र में लग जाइए। आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। नया व्यापार शुरू करने का योग बन रहा है। नया घर खरीद सकते हैं। आज आपका समय उत्तम है। दूर देश की यात्रा हो सकती है। पारिवारिक स्थिति होगी। संततियों की सुख मिलने का योग बन रहा है। संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। रुका हुआ धन मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों से लाभ मिलेगा। द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें। माता जी के आशीर्वाद से कुछ बड़ा कार्य हो सकता है। पिता के नेतृत्व में नए तरह के कार्य होने की संभावना बन रही है। विरोधी परास्त होंगे। सावधानी क्या बरतनी, अपने समय की कीमत को समझें। उपाय क्या करना, भगवान गणेश जी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पंचमेवा की खीर से हवन करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तो जो तुला राशि के जातक हैं, आज आप बहुत सेंटिमेंटल इमोशन में आके कोई निर्णय न लें। वाणी पर नियंत्रण रखें। लेखन कार्य और साहित्य से धन लाभ होगा। नया घर, जमीन, भूमि, वाहन
खरीद सकते हैं। परिवार में शुभ कार्य होने का योग बन रहा है और कई महत्वपूर्ण कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा। नई नौकरी मिल सकती है और नौकरी में प्रमोशन का भी योग बन रहा है। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। परिवार में नए कार्य होंगे, शुभ कार्य हो सकता है। मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। कृषि योग भूमि कर सकते हैं। आपकी परेशानियां दूर होंगी। माली हालत सशक्त होगी। पुस्तक लेखन से धन अर्जित करेंगे और आज आपको पुरस्कार मिल सकता है। सावधानी क्या बरतने, विवादों से बचें। उपाय क्या करना, भगवान शिव की आराधना करें या सफेद वस्तु या दूध से बनी चीजों का दान करें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है ग्रीन और लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आप अपने गुस्से पर नियंत्रण करें। चल अचल संपत्ति से लाभ होगा। नया कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नए प्रकार की नौकरी से लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। पत्नी से थोड़ी अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और नए तरह के कार्यों से लाभ मिलेगा। दूर देश की यात्रा हो सकती है। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी माइंस में अगर आप पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी विवादित है तो उससे आज आपको लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना, हनुमान जी की पूजा करें, लाल वस्त्र का दान करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुर्ख लाल, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पद प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। यश मिलेगा। संतान सुख और पत्नी का सुख बढ़ेगा। सरकारी नौकरी और प्रमोशन के लिए समय अच्छा चल रहा है। विदेश यात्रा से धन लाभ होगा। संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। दूर देश की यात्रा हो सकती है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी के लिए फट कर तो आपको नौकरी मिल सकती है। यदि आप प्रोफेसर, प्रचार, हेड या वाइस चांसलर होना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आपको सरकारी नौकरी उच्च पद प्राप्त हो सकता है। राजनीति के लिए आज का दिन बेहतरीन है। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। उसका दिन आज के लिए अच्छा है। सावधानी क्या बरतनी है, दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना, गाय को खिचड़ी और दाल भरी पूड़ी खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग है हल्का पिंक, लक मीटर 6। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। तो जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। खान पान पर नियंत्रण रखें। हेल्थ को लेकर के सचेत रहें। सामाजिक प्रतिष्ठा और यश में वृद्धि होगी। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भूमि भवन का सुख मिलेगा। नए व्यापार से धन लाभ का योग बन रहा है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन रही है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। यदि आप कोई साझेदारी में या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। दूर देश की यात्रा होगी और नए तरह के कार्यों से लाभ मिलेगा। इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बेहतरीन है। स्टार्टअप इत्यादि से लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना, शनिदेव की आराधना करें और शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जला में अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक है, आज आपको मेहनत से धन अर्जित करने का योग बन रहा है। घर वाहन खरीदने का योग बन रहा है। माता पिता का सुख मिलेगा। पिता के आशीर्वाद से नया कार्य हो सकता है। विदेश जाने का योग बन रहा है। विदेश यात्रा से लाभ मिलेगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। खर्च को लेकर के आप बेहद संजीदगी से काम करते हैं तो खर्च उतनी करें जितनी इनकम हो। कई बार खर्चे ज़्यादा करने से आपका बजट डिसबैलेंस हो जाता है जिसके नाते परेशानी में पड़ जाते हैं। समय बेहद शुभ है। अपने समय का सदुपयोग करें। उपाय क्या करना, हनुमान जी की आराधना करना है और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलावे। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको जितना मेहनत करेंगे उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। सरकार से लाभ मिलेगा। राजनीति से भी लाभ मिलने का योग बन रहा है। संतान और माता पिता का सुख प्राप्त होगा। इनकम का नया जरिया होगा। आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। नए तरह के कार्यों से लाभ मिलेगा। यदि शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगर कोई रिजल्ट आ रहा हो तो उसमें आपका होने की संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी, खान पान पर नियंत्रण करें। उपाय क्या करना, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल, लक मीटर 8। हरे कृष्ण।